दरिया दिल रतन टाटा सादगी से जीत लेते थे दिल, कंपनी से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे। देश के जाने माने उद्योगपतियों और टाटा सन्स के आजीवन चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल की उम्र में भी सक्रिय शीर्ष उद्योगपति ने बुधवार रात करीब 11:30 बजे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा समूह 2023-24 में 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक है। भारत की रत्न कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे। वे उन शख्सियतों में शुमार थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। कई मौकों पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर भारतीयों को गर्व महसूस कराया। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपने परिवार की तरह मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू उम्र के 7 दशक पूरे करने के बावजूद सक्रिय रहना रहा। 2011 की बंगलुरु एयर शो की उनकी तस्वीरें आज भी चाहने वालों के दिलो दिमाग में जीवंत हैं। जब 73 साल की आयु में रतन टाटा ने F-17 लड़ाकू विमान के कॉकपिट में उड़ान भरी थी। जीआरडी टाटा की तरह रतन टाटा को भी विमान उड़ाने का बहुत शौक था। वह 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। उनके संग्रह में मासेराती, कार्ट्रोपोर्टे, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, मर्सिडीज बेंज 500 SL और जगुआर एफ टाइप जैसी कारें शामिल हैं। रतन टाटा को 53 साल की उम्र में 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को मार्केट में लिस्ट कराया था। चेयरमैन पद से हटने के बाद टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन को उपाधि से सम्मानित किया था। भारतीय उद्योग जगत के शिखर पुरुष रतन टाटा के शानदार सफर का आगाज बेहद साधारण दायित्व से हुआ था। टाटा समूह का उत्तराधिकारी होने के बावजूद रतन ने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के संयंत्र में भट्टी में चूना डालने वाले एक कामगार के तौर पर की। वह भी तब जब वह बहुराष्ट्रीय IT दिग्गज IBM की मोटे पैकेज वाली नौकरी ठुकरा कर समूह से जुड़े थे। बचपन में माता पिता के अलग हो जाने से रतन का पालन पोषण 10 वर्ष की आयु तक उनकी दादी लेडी नवाजबाई ने किया। IBM से नौकरी की पेशकश के बावजूद टाटा ने भारत लौटने का फैसला किया। कुछ साल पहले एक बरसात की शाम टाटा ने आदेश दिया था कि मुंबई में समूह के मुख्यालय के बाहर किसी भी आवारा कुत्ते को आश्रय दिया जाए। यही नहीं, टाटा ने 2018 में अपने बीमार कुत्ते की देखभाल के लिए प्रिंस चार्ल्स का नियोता तक ठुकरा दिया था। चार्ल्स उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते थे। चार्ल्स को जो रतन के न आने के कारणों का पता चला तो उन्होंने उनकी खूब सराहना की।